हेलो दोस्तों, कहते हैं आप सभी। मैं के पी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं। और देखो यहां पर ये मेरठ शामली हाईवे पर ये इंटरचेंज बनाने का काम किया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का। ये देख सकते हो सारे काम चल रहा है, तो इधर भी सारे अभी ये सारे पियर और पियर कैप का काम कम्प्लीट हो चुका है। अब इन पर बस क्या गाटर लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो जैसे कि वो गाटर रखे हुए हैं, बस इस पर अब लॉन्च करना स्टार्ट कर देंगे। तो यही काम चल रहा है। और ये है दोस्तों NH 709A, जो कि मेरठ शामली की इधर शामली के लिए चला जाता है और इधर चला जाता है मेरठ के लिए। तो यहाँ पर देखो ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है और इंटरचेंज का भी सारा काम हो चुका है। तो यहाँ से ये चढ़ने के लिए है इस तरीके से। देखो काम चल रहा है यहाँ पर सारे में ही। तो अभी इस पर ये RE पैनल को देखो लगाया जा रहा है और सारा ही काम बनके कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। तो यही काम चल रहा है, देख सकते हो आप लोग। अभी टाइम है मतलब कि जाने में टाइम तो लगेगा ही, क्यों अभी ये सारे इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं और इंटरचेंज बन जाने के बाद में फिर ये निकल जाएगा सीधा देहरादून के लिए। और आगे जा रहा तो ये इंटरचेंज बनाने का काम चल रहा है इस टाइम पे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखा दिया जाए। देखो वो रखे हुए हैं गाटर और यहाँ पर सारे पियर कैप बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, पियर कैप के विद की पियर कैप। और देखो यहाँ पर ये इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से इंटरचेंज बनाने का काम चल रहा है आप लोग देख सकते हो। देखो एक साइड की RE पैनल को लगाने के बाद में और अर्थवर्क यानी कि मिट्टी डालने का काम चल रहा है, देख सकते हो आप लोग। ये बनाया जा रहा है इंटरचेंज, काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरचेंज है जो बनाया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। हाईवे जा रहा है ये वाला 709A। तो ये है काफ़ी लंबा चौड़ा है, देखो वहाँ से इंटरचेंज बना रहे हैं। तो इंटरचेंज तो बन के ये जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा बन के। अब इन पे बस गाटर लॉन्चिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो वहाँ पर भी देखो वो पुलिया सी बनाई गई है ना, वो इंटरचेंज के लिए ही बनाई गई है आने जाने वालों के लिए। ये बिल्कुल सीधा सीधा चला जाएगा, इधर जा रहा है दोस्तों दिल्ली के लिए और इधर जा रहा है ये देहरादून के लिए, सहारनपुर होते हुए देहरादून निकल जाएगा। तो मैं आप लोगों को ऊपर चल के दिखाऊँगा एक बार, ऊपर को दिखाते हैं चल के। गाड़ी का मैं वो करके नहीं आया हूँ, अब गाड़ी को मैं कर लेता तो सही रहता, लेकिन मैंने नहीं कराया दोस्तों। तो यही है मतलब कि RE पैनल को बस लगा रहे हैं, कंपोजर लगा के RE पैनल को लगाने का काम कर रहे हैं। तो चलते हैं वहीं पर पास में ही, देखते हैं चल के। देखो ये काम चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, जो कि RE पैनल को लगा रहे हैं। RE पैनल को लगाने के बाद में फिर ये कंपोजर लगाते हैं, पहले बेल्ट लगाएंगे इन्हें RE पैनल को रोकने के लिए, उसके बाद में ये कंपोजर लगा देते हैं। तो ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है, देख सकते हो ये सीधा चला जाएगा दोस्तों। कहाँ के लिए? ये सीधा देहरादून के लिए चला जाएगा। तो अभी टाइम लगेगा, ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है दोस्तों 709A के ऊपर, जो कि मेरठ शामली के लिए जा रहा है, देख सकते हो आप लोग। और मैं आप लोगों को नीचे का भी व्यू दिखा देता हूँ एक बार, तो आप लोग देख लो। ऐसे ही अपडेट देखने के लिए KP संत के चैनल पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट आप लोगों को बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। तो ये जा रहा है, नज़ारा देखो आप लोग, उधर का भी देख सकते हो कुछ ऐसा चमक रहा है यहाँ पर। देखो ये चला जा रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा चला जाएगा दिल्ली के लिए। तो यही काम चल रहा है, अब आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। और इधर आप लोगों को बताऊं कि इधर ये गाटर लॉन्च कर रहे हैं, मतलब कि गाटर ही बनाए जा रहे हैं, गाटर और ये RE पैनल को यहीं इसी जगह ही बना रहे हैं। देखो आप सभी इस तरीके से ये रखा जाता है, ये है सारा इंटरचेंज पूरा। देखो उधर भी, इधर भी देख सकते हो आप लोग, ऐसा बनाया जा रहा है इंटरचेंज। आप
बताना कि आप सभी के ये वीडियो कैसे लगे, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पसंद को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस के पसंद के चैनल पर देखो। मेरे प्यारे दोस्तों देखो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है और काम किया जा रहा है इंटरचेंज को बनाने का दोस्तों, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को, क्योंकि अगले साल ये आम जनता के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो यही काम है, देख सकते हो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है दोस्तों। अब आप लोगों को आया समझ में, काफ़ी दिनों के बाद में, काफ़ी टाइम के बाद में मैं अपडेट दे पा रहा हूँ आप लोगों के बीच में। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा। आप सभी देखो उधर भी काम चल रहा है, तो अभी इसके इंटरचेंज बनाने का ही काम चल रहा है। तो अब चलते हैं, देखो कंपोजर को किस तरीके से लगाते हैं आप लोग, ये भी देख लो, क्योंकि मैं ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को देता रहता हूँ। अभी तो काफ़ी अर्थवर्क इस पर मिट्टी पड़नी है दोस्तों, क्योंकि देखो इसकी हाइट देख लो, देखो ये है कंपोजर लगाया जाता इस तरीके से। देखो आप लोग अब कंपोजर लगाएंगे, मिट्टी डालेंगे और जहाँ जहाँ इन्होंने काटा है ना, ये देखो ये काटा हुआ है, चमक रहा होगा, इकट्ठा हुआ, यहीं पर ये बेल्ट लगाएंगे इसे रोकने के लिए, आरी पैनल को रोकने के लिए। तो यही नज़ारा है व्यू, और आप लोग व्यू देखो और बताओ हमें कमेंट करके। तो चलो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में आप सभी से। अब दूसरा इंटरचेंज आप लोगों को दिखाएंगे चल के सहारनपुर का दोस्तों। देखो ये बेल्ट यहाँ पर है, देखो ये है ना, ये बेल्ट इस आरी पैनल को रोकते हैं, देखो ये डाले जाते हैं ना छेदों में, तो यही नज़ारे हैं दोस्तों। देखो सारे में अभी काफ़ी काम किया जाएगा, काफ़ी टाइम लगेगा ऐसा बनने में। तो चलते हैं, गाड़ी हमारी देखो वो खड़ी हुई है वहाँ पे। दोस्तों देखो दूसरी साइड का है, देखो ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, देखो वो ट्रक खड़े हुए हैं ना वहाँ से, ये इस तरीके से ऐसा आ रहा है और इस पर ऊपर चढ़ जाएंगे जो देहरादून के लिए जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखो ये आरी पैनल को लगा रहे हैं, आरी पैनल को लगाने के बाद में कंपोजर लगा दिया, अब इस पर ये मिट्टी डालनी है, मिट्टी डालने अर्थवर्क का काम कर रहे हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा पैच है देख सकते हो आप लोग, क्योंकि ये सारा इंटरचेंज का ही हिस्सा, देखो उधर भी वो आरी पैनल लगाए जा रहे हैं उधर, और ये आपको बता दो हाई टेंशन लाइन ये बीच में आ रही है, तो इसको भी अभी शिफ्ट करने का काम किया जाएगा दोस्तों। तो यही चल रहा है काम, देख सकते हो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, तेज़ी के साथ में काम चल रहा है दोस्तों। आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है आप लोगों को, इन्फॉर्मेशन देता रहता मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाएँगे चल के सहारनपुर का इंटरचेंज बनाया जा रहा है, वो भी आप लोगों को दिखाएँगे। तो चलते हैं, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।
इस पे क्या क्या लिखा हुआ है आप लोगों को पता चल जाएगा। मौसम बहुत सुहावना हो रहा है गाइस। सारे ही इन टनल तोड़ मारी है, देखो वो काम चल रहा है इस पे चढ़ने के लिए, तो यहाँ पर ये इंटरचेंज बना रहे हैं, ये देखो। ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट करके बताओ।